हेलो भाई, मैं हूँ सोनू सैनी। तो यार आज हम दिखाने वाले आपको एक बहुत ज़्यादा लग्जेरियस फ्लैट जो कि है भाई एस्कॉन प्राइम में। तो मैं आपको एक सेकंड एंटर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यार। तो मिलिए सबसे पहले भाई से। कैसे भाई, नेम बता दो अपना। उज्जवल दूर है एस्कॉन प्राइम एज अ सेल्स मैनेजर की प्रोफाइल में। हाँ जी। तो आज हम जो सैंपल देख रहे हैं ये हमारा 2250 स्क्वायर फीट का फ्लैट है जो बहुत ही अच्छा हमने बनाया है। एक फ्लोर पे सिर्फ दो ही फ्लैट लेके आ रहे हैं। हाँ जी। ब्यूटीफुली डिजाइंड है एंड अभी हम देखते देखते बाकी बात करेंगे। चलो। तो जैसे कि अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा इंटर फॉयर स्पेस है। ओके। जहाँ से आपने अभी एंटर किया था 8x4 का एक ब्यूटीफुल डोर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ जी। जिसपे आपका डिजिटल लॉक रहेगा जैसे आप बायोमेट्रिक कार्ड और पासपोर्ट के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें मतलब क्या क्या फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं इसमें? ये आपका बायोमेट्रिक आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप की लगा सकते हैं या पासपोर्ट के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। हाँ जी। या फिर आप कार्ड लगा के भी एक्सेस ले सकते हैं। ओके, मतलब काफी फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छे। ओके। तो ये आपका एंटर फॉयर स्पेस आ गया। अगर आपके डोर स्टेप पे कोई भी पर्सन खड़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस हमने दिए है। हाँ जी। डोर स्टेप से पहले। हाँ जी। तो डोर स्टेप पे कोई भी पर्सन खड़ा हो तो उसको अंदर की विजिबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ जी। आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। ओके। एंटर करने के बाद ये फॉयर स्पेस के साथ में आपका ड्राइंग कम डाइनिंग आ जाएगा। हाँ जी। यार देखो आप कितना ज्यादा लग्जेरियस फ्लैट है। और ये यहाँ पे जो हमने आपको ड्राइंग डाइनिंग दिया है ये 23x14 की डायमेंशन में एक हॉल आपको प्रोवाइड करती है जिससे आपके पास 7-सीटर सोफा लगा हुआ है फिर भी आप देख सकते हैं कि मूविंग के लिए कितना अच्छा स्पेस है। नॉर्मली ये चीजें आप फ्लैट में मिस करते हैं। हाँ जी। देन इसके साथ में हमारे पास ड्राइंग एरिया डाइनिंग एरिया आ जाएगा ड्राइंग के साथ में। तो ये हमारा डाइनिंग एरिया है। आप आराम से यहाँ पे 5 मेंबर के साथ अपना लंच डिनर कर सकते हैं। एक स्पेस हमने बड़ा अच्छा प्रोवाइड किया है जिसे आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप पूजा स्पेस, क्रॉकरी कॉर्नर, बार सेक्शन या बच्चों के लिए स्टडी टेबल बना सकते हैं। हाँ जी। मतलब एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा थोड़ा यहाँ पे। बिल्कुल सही है। जैसे आप स्पेस देख रहे हैं 7x5 का एक स्पेस है ये। हाँ जी। जिसे आप अगर कवर करते हैं 2 फीट और पार्टीशन ग्लास लगाते हैं। हाँ जी। तो आपका ये बहुत अच्छे साइज में पूजा स्पेस बन सकता है। ओके। जैसे डिफेंस के पर्सन होते हैं या बिजनेसमैन है अगर वो बार क्रिएट करना चाहते हैं तो एक अच्छा आपका कॉर्नर बार बन सकता है। हाँ जी। यहाँ पे मतलब चेयर्स वगैरह सेट करके आराम से। ओके। और आफ्टर दैट किचन। ये हमारी किचन आ जाती है जो एस्कॉन प्राइमरा में इस रीजन की सबसे बड़ी किचन हम ऑफर कर रहे हैं। ओके। 12x13 में एक रूम साइज में आप स्क्वायर शेप किचन देख सकते हैं। 12x13 में। 12x13। ओके जी। तो नॉर्मली आपने एक रेक्टेंगल शेप या एल शेप किचन देखी होगी। हाँ जी। एक अच्छा स्पेस है जिससे आप ब्रेकफास्ट काउंटर को इन हाउस ही प्लान कर सकते हैं किचन। ओके। मतलब यहाँ पे चेयर्स वगैरह अपना सिटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं इजीली। और यहाँ पे इधर इसके साथ में हमने जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आपका ओटीजी माइक्रोवेव के लिए एक अच्छा सेक्शन है और हाँ बड़ा साइज का यहाँ पे आपका फ्रिज लगा है। हाँ जी। आप देख सकते हैं साइड बाय साइड फ्रिज हाँ कहते हैं। हाँ जी। और उसके लिए भी आपके पास स्पेस कहीं पे भी ये नहीं है कि आपका कहीं आने जाने में दिक्कत हो या कोई निकल रहा तो उसको टच हो रहा है। हाँ जी। एक प्रॉपर स्पेस है हर चीज। ओके। देन किचन यहाँ पे हम ड्रायर वेट लेके आ रहे हैं यानी हमारे स्पॉन में जो 2, 3 और 3+1 BHK हैं। हाँ उन सब में आपके पास कुकिंग किचन के साथ वॉशिंग किचन आपके सेपरेट रहेगा। मतलब डिफरेंट रहेगा दोनों। बिल्कुल। कुकिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं और अपना वॉशिंग उस तरफ वहाँ पे। एज वी आर इंडियन फैमिलीज हमारे घर में अगर कभी भी कोई गैदरिंग होती है तो सबसे ज्यादा जो हमारी ऑक्यूपाइड होती है वो किचन होती है। हाँ जी। इसीलिए हमने वॉशिंग एरिया सेपरेट कर दिए जहाँ पे आप अपनी मेड के साथ अपनी किचन में अपने जो यूटेंसिल्स को वॉश करा सकते हैं। मतलब कोई इशू नहीं है जितने मर्जी कुछ भी अपने घर गेस्ट वगैरह आए तो कोई इशू नहीं रहेगा ना। कोई इशू नहीं अपना इसके साथ में आपके वॉशिंग मशीन स्पेस आ गया। ये भी अलग से आ गया। डिशवॉशर के लिए स्पेस आ गया। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा एक 8x11 का ये स्पेस आपके पास आ जाता है जो किचन से अलग है एंड आपकी किचन को और ज्यादा स्पेशियस कर देता है। हाँ जी। तो वैसे तो हमने 2 सिंक बाहर दे दिए आपको वॉशिंग एरिया बाहर दे दिया बट एक सिंक हम अंदर भी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर कुछ थोड़ा बहुत वॉश करना है जैसे बर्तन के। हाँ जी। तो बाहर धुली जाएगी आपको अगर या वेजिटेबल्स वगैरह कुछ वॉश करने हैं हाथ धोने हाँ जी तो आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके। ये चीज बेस्ट है सर है ना। बिल्कुल सर। ओके। आगे नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाएगा जो कि 11x15 का स्पेशियस साइज है। ओके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई किंग साइज आपका बेड लगा है। यार देखो आप कितना ज्यादा जबरदस्त है। किंग साइज बेड लगे होने के बाद आपके पास काउच के लिए अलग से स्पेस आ जाता है। ओके जी। मतलब यहाँ पे अपना सोफा वगैरह कुछ भी सेट कर सकते हैं अपना।
और ये वॉलपेपर्स वगैरह और सीनरी वगैरह लगी हुई यहाँ पे। और ये बेड देखो क्या साइज है सर बेड का? ये सर आपका 70x72 का बेड है, यानी 6x6 का भी कह सकते हैं जो किंग साइज बेड होता है। ओके फिर ये बेस्ट है, तो है ना इतना साइज। इसके बैक साइड पे आपके पास स्टोर रूम आ जाएगा। नॉर्मली हर घर में एक स्टोर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे हमने 7x5 का एक स्टोर रूम दिया आपको। 7x5 जी। ओके और सबसे अच्छी बात है कि जो स्टोर है वो हमने आपको मास्टर बेडरूम में दिया। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, और मास्टर बेडरूम में आपके पास ये प्राइवेट स्पेस आ गया। एंड ये हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा। हाँ जी। जिसमें बहुत ही अच्छे आपको फुल हाइट के रूफ टच आपके वॉलड्रॉप्स रहेंगे, स्लाइडर रहेंगे, जिससे आपका कहीं पे भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है। ये आप ग्लास लगा के प्रॉपर इसे एज अ ड्रेसिंग एरिया यूज कर सकते हैं। एंड साथ में इस तरफ आ गया वॉशरूम। वॉशरूम में हम आपको जैगवार की फिटिंग लगा के दे रहे हैं। जैगवार एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इसे मैनेज किया हुआ है। आपका बेडिंग एरिया सेपरेट आ जाएगा इस तरफ में, मतलब इसमें अलग से अपना आप बाथिंग एरिया बन गया। हाँ इसके साथ में आपका ये क्लोजेट्स आ जाएंगे, WCs आ जाएंगे, एंड आपके पास ये एक स्पेशियस एरिया आ जाता है। और जैगवार के ये बाकी फिटिंग्स लगे हुए हैं। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। नेक्स्ट रूम से पहले मैं आपको एक बालकनी दिखाना चाहूंगा जो हम मास्टर बेडरूम के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। 6x7 की आपकी ये बालकनी है, जिसमें आप दो चेयर और साइकिल टेबल प्लान कर सकते हैं। काफी बढ़िया है सर ये भी, है ना? कितने? 6x7। इसमें आप दो चेयर सेंटर टेबल लगा के आराम से इजीली शाम को इवनिंग व्यू को कर सकते हैं। हाँ जी। एंड ये आपके जो ग्लासेस हैं ये सारे साउंड प्रूफ ग्लास हैं। साउंड मतलब कोई भी नॉइस वगैरह कुछ बाहर से कुछ नहीं आने वाली, और ना ही अंदर की बाहर जाएगी, है ना? हाँ वही चीज है सर कि जैसे अभी हम हाईवे की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। हाँ जी। जो स्कॉन प्राइमरा है ये एयरपोर्ट रोड पे बैंग ऑन हाईवे लोकेशन है। हाँ जी। तो आपको कोई भी ट्रैफिक के साउंड डिस्टर्ब ना करे, इसीलिए हमने ये साउंड प्रूफ ग्लास लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि नेचुरल लाइट काफी अच्छी है आपके पास। हाँ जी। मतलब दिन के समय पे अगर आप ये आर्टिफिशियल लाइट्स ओपन नहीं भी करते तब भी आपके पास कितना अच्छा नेचुरल लाइट है, व्यू रहेगा काफी जबरदस्त। और बाकी ये मास्टर बेडरूम है सर, है ना? हाँ जी हाँ जी। अब मैं आपको किड्स बेडरूम दिखाता हूँ इस अपार्टमेंट में। अब चलते हैं किड्स बेडरूम की तरफ। सो दिस इज द किड्स बेडरूम। बिल्कुल सर, ये हमारा 11x15 का स्पेशियस साइज है। हाँ जी। यहाँ पे जो आपके वॉलड्रॉप है वो एलिवेशन का ही पार्ट है, यानी आपकी रूम साइज को ब्लॉक नहीं कर रहा, और आपके पास क्लियर स्पेस आपको दिख रहा है कि कितना रहने वाला है। ओके हाँ जी। तो फुल अगेन रूफ टच तक आपके ये वॉलड्रॉप्स रहेंगे, स्लाइडर्स रहेंगे, जिससे आपका स्पेस कहीं पे भी ऑक्यूपाइड नहीं होगा। और इसमें ये बाकी ये सेम आपका मटेरियल रहेगा, प्रॉपर बढ़िया फिनिश में लगा हुआ है, एक अच्छी फिनिशिंग के साथ हम आपको दे रहे हैं। ये स्लाइडर्स रहेंगे ये आपके। हाँ जी। और इस तरफ ये ऊपर अपना एसी वगैरह फिटिंग, और यहाँ पे ये एक विंडो रहेगी, वॉशिंग एरिया से व्यू आ जाएगा। ओके। जिससे आपकी नेचुरल लाइट बनी रहे, अदरवाइज आप बच्चों के लिए यहाँ पे भी स्टडी के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ जी। और ये ड्रेस आपका यहाँ पे एलईडी पैनल, एलईडी पैनल वगैरह कुछ भी है ना? Okay. इसके साथ में आपकी ये सेकंड बालकनी आ जाएगी। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है हर रूम के साथ एक बालकनी आपको लगा के दे रहे हैं, तो ये आपकी 6x6.5 की स्पेशियस बालकनी आ जाती है। 6x6.5 की, और देखो यार काफी जबरदस्त है, जो मतलब काफी स्पेशियस है। एंड इसके साथ में आपका ये वॉशरूम आ जाएगा अटैच, जिसे आप एज अ कॉमन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब कोई गेस्ट भी आए उसको इजीली। बिल्कुल, जैसे आप सामने देख रहे हैं ड्राइंग डाइनिंग आ गया हमारा। हाँ जी। तो अगर किसी ने यूज करना है तो आप वो यहीं से कर सकते हैं, बजाय कि आपके रूम में आके वो यूज एंटर करे वहां से, इससे बेस्ट आपकी प्राइवेसी मेंटेन है यहाँ। ओके। एक एस्कॉन प्राइमरा के अपार्टमेंट्स की एक बहुत खासियत है जो हम इंटरनल हाइट देते हैं। आप देख सकते हैं कि 10.5 फीट पे हमारी क्लियर हाइट है, और प्रॉपर यही हाइट सबसे बेस्ट है, सेम रहेगी आपके पास। हाँ जी। इससे आपकी इंडोर एयर क्वालिटी भी बेस्ट बनी रहती है। हाँ जी। और फ्लैट जो होता है वो और ज्यादा स्पेशियस आपको नजर आता है। ओके। अब मैं आपको एक गेस्ट बेडरूम अपना दिखाऊंगा जो कि 11x14 की डायमेंशन में। हाँ जी। उसे हमने स्टार्टिंग में रखा जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहे, मतलब अगर कोई गेस्ट आए तो इधर ना आए, इससे अच्छा सीधा वहीं पे। नॉर्मली क्या होता है कि सर जैसे हम घर में रहते हैं 10 बातें होती है जो हमें अपनी प्राइवेसी में रखनी चाहिए, बट गेस्ट के सामने हम वो नहीं कर पाते। हाँ जी। तो आपके पास गेस्ट बेडरूम जैसे अलग ही आ गए, तो आपकी नॉर्मल जो बेडरूम है उसमें कहीं पर भी प्राइवेसी हर्ट नहीं होगी। तो ये 11x14 के साइज में हमारा बेडरूम आ गया, गेस्ट बेडरूम।
एक अच्छे साइज का बेड लगा है, तब भी आप देख सकते हैं कि मूविंग कितनी है आपके पास, काफी ज्यादा एरिया है जिसमें की। और इसमें भी हमें वॉशरूम मिल जाता है, वॉशरूम एक अच्छे साइज में यहाँ पे भी आपका वॉशरूम रखा है हमने। अटैच वॉशरूम मिल जाते हैं इसमें, अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम में आप एक चीज देख सकते हैं कि जो सारी फिटिंग्स है हाँ वो एक ही दीवार पे दी है, हाँ जी, जिससे आपको आइडिया रहे आप घर पे अगर ड्रिल कर रहे हैं तो कौन सी वॉल पे आपको ड्रिल नहीं करना है। हाँ जी, ये चीज परफेक्ट है, ये एक और बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ मिलती है जो बिल्डर को, जैसे कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन लाइन पे, हाँ जी, तो यहाँ पे आप वो चीजें उनका एक्सपीरियंस देख सकते हैं। जिसके साथ में जो आपकी बैल्कनी आ जाएगी, ये 6x20 की बैल्कनी है, 6x20 रनिंग बैल्कनी है आपकी यार, देखो ये सबसे बेस्ट है और काफी बड़ी है जो कि है ना, 6x20 की बैल्कनी यानी रनिंग बैल्कनी भी होगी और एक अच्छा स्पेस आ गया। जो कि भाई देखो रनिंग बालकनी और काफी अच्छी है, जो कि काफी स्पेशियस है, सबसे बेस्ट थिंग ये है। अभी जैसे हम 3+1 BHK अपार्टमेंट देख रहे थे, तो अभी आपने 3 बेडरूम देखा है, हाँ जी, प्लस वन जो है हमने उसे एज सच कमिट नहीं किया कि हम उसे सर्वेंट रूम बना के दे रहे हैं, हाँ जी, या हम स्टडी रूम बना के दे रहे हैं, हमने उसे एक प्लस वन स्पेस दिया जिसे आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए हमने उसे ऑफिस स्पेस दिया है, जैसे कोविड टाइम में आपने देखा होगा कि वर्क फ्रॉम होम चला था, हाँ जी, या बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हैं उसे, तो अभी के लिए उसके एंट्रेंस बाहर से ही, अदरवाइज हम इस वॉल पे आपको एक 2.5 फीट का डोर प्रोवाइड करेंगे, मतलब यहाँ से भी उसमें एंटर कर सकते हैं, फिर हम यहाँ से भी जा सकते हैं अगर आपको चाहिए कि मेरे को फ्लैट के अंदर से एंट्रेंस, हाँ जी, तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, अदरवाइज बाहर से तो हम दे ही रहे, तो आइए मैं मतलब ये अपना ऑप्शन रहेगा, हाँ जी हाँ जी, आइए प्लीज। जो कि 3+1 अगर प्लस वन में जब हमें एंट्री लेने तो बाहर से भी कर सकते हैं यहाँ से, और अदरवाइज हमें अंदर का ऑप्शन भी मिल सकता है अगर चाहिए हमें तो। तो ये आपका प्लस वन आ गया, जैसे अभी के लिए हमने एक ऑफिस स्पेस बना के दिया, या बच्चों के लिए स्टडी रूम भी बना सकते हैं, आपके यहाँ बुक शेल्फ आ जाएगी, एक अच्छा मतलब टेबल आ जाएगा, एंड चेयर आप प्लान करेंगे तब भी आपके पास स्पेस काफी अच्छा है। ओके, और इस तरफ मिरर्स वगैरह अपने लगा सकते हैं मैं ऐसे ही, एंड एक वॉशरूम भी इसके साथ अटैच दिया है कि अगर बच्चे स्टडी कर रहे हैं और कुछ भी मतलब फ्रेश होना है तो आपके पास ये स्पेस है, अदरवाइज आप इसे जैसे सीए प्रोफेशनल से हैं या अकाउंटेंट हैं तो आप एज अ ऑफिस स्पेस इसे यूज कर सकते हैं, या आईटी बैकग्राउंड से तो भी आप इसे एज अ ऑफिस स्पेस यूज कर सकते हैं। ओके, एंड सबसे प्यारी चीज जो है वो 3+1 की ये है कि ये एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही, और ये 2 लिफ्ट यूज की और 2 ही स्टेयरकेसेस यूज किए। ओके, यानी हर फ्लैट के पास खुद की एक लिफ्ट और एक स्टेयरकेस है, यानी ये अपने आप में एक प्रीमियम फील है जो ग्रैंड फील आपको हाँ प्रांगण में मिल रही है। ओके जी, सो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आप खुद भी आइए हमारे साथ, हाँ जी, और बाकी की आपको सोनू सर जानकारी दे देंगे कि तो, कैसे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो भाई अगर आप ना एक बार यहाँ पे आके देखो इसको, फ्लैट को चेक करके देखो, इतना जबरदस्त है और लग्जेरियस फील आता है जिसमें कि पूरा ही हमें देख सकते हो आप, जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है। और सर अगर हम इसकी यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो क्या प्राइसिंग है वैसे इसकी? तो जैसे कि यहाँ पे हम मायवान कंस्ट्रक्शन जो कि मलेशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंस्ट्रक्शन है, हाँ जी, जिसमें आप जानते हैं कि कोई ब्रिक्स या ब्लॉक्स नहीं लग रही है, टोटली आरसीसी बोल्ड्स हैं, हाँ जी, तो उसके साथ अगर हम बात करते हैं, और बैंगन हाईवे जो कि एयरपोर्ट रोड की लोकेशन है उस पर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारी 78 लाख ऑनवर्ड्स अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट है, जिसमें हम 2 BHK 3 BHK 3+1 BHK एंड पेंट हाउस इसका ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एंड अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये क्लब बिल्डिंग है हमारी जो 35,000 स्क्वायर फीट में हमारा क्लब हाउस है, हाँ जी, ये क्लब बिल्डिंग है और जो कि काफी ज्यादा जबरदस्त है, देख सकते हो आप ये भी, ये हमारा लाउंज एरिया आ जाएगा, जैसे भी आप ये क्लब हाउस का लाउंज देख रहे हैं, हाँ तो हर टावर में भी हमारे पास एक लाउंज एरिया रहेगा, इनकेस अगर आपने किसी गेस्ट को अपार्टमेंट में नहीं लेके जाना चाहो तो आप यहीं पर अटेंड करके टी कॉफी के साथ उन्हें भेज सकते। ओके, तो आपका प्राइवेसी का ज्यादा हमने ध्यान रखा है, आपकी सिक्योरिटी का हमने ध्यान रखा है, और आपकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान। चलो ठीक है भाई, देखो ऐसा कुछ था आज हमारा फ्लैट ये देखने में। तो अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो आगे हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और न्यू फ्लैट्स दिखाते रहेंगे। तो ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।